अच्छे रोटी रोटी, इस पे हाँ क्या चॉकलेट डाल दी, कितने चॉकलेट्स, सही तरीके से डाले ना। अच्छा हाँ ये कट मार दिए, ओके वाह क्या डिजाइन, ये तो ट्री, ट्री बन गई पूरी। अच्छा हाँ क्रिसमस वाली ट्री क्या। अच्छा बटर, अच्छा बहुत कुछ ओके डाल दिए इसमें, वाह। वाओ। सो काफी सिंपल प्रोसेस है जो हमने देखे, तो इसको हम बनाने वाला है। तो सबसे पहले हमको रोटी बेलना है जो कि मैदे की होगी। और ये जो मैंने बेल कर दी है हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे शान नहीं मारने का समझे ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चॉकलेट लगेगी, चॉकलेट निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले इसको काट लेंगे हम अच्छे तरीके से। ओके, तो कैसे काटने पता है? ठीक है ऐसे तरीके से हम पूरे तोड़ लेते हैं। चलिए इसका नक्शा बना लेते हैं थोड़ा सा पहले ऐसा, इधर नक्शा, वाह 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 वाह, अरे ये ऐसा बाप रे, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया ना आपने, अपनी ड्राइंग सही है। ठीक है दिख इस ही रहा तरीके है। से इसको इस तरीके से लगा देते पहला। ठीक है ओके अब ठीक इसको अरेंज करेंगे है बाकी। यार, आप बना लो, बहुत साल लगने वाला है आपको, ठीक है ये पूरा बनाने के बाद मिलता हूँ। तो मैं ये जाती देखिए इसको रेडी कर दिया मैंने, इसको बराबर हिसाब से काटेंगे हम इस तरीके से, ये ओके, और और इसको ये, ये, और इसको निकालना है इसको बाहर बाहर, निकाल देते हैं। ठीक है ओके, अब इस तरीके से ऐसे पीसेस करने, मतलब पीसेस नहीं करने, कट लगाने, इस तरीके से पूरा कट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है ओके कट इसको भी इधर सेम डिस्टेंस से कर कट कर देंगे, देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है अभी ये वाला ओके पोर्शन जो बचा है ना इसको यहाँ से इस तरीके से, और काट लेंगे इसको इस तरीके से काटेंगे, और इसको ये यहाँ जो है ना से, ये वाला यहाँ से एक मार देंगे, और यहाँ से एक एक मार ऐसे देंगे, मार देंगे। इसका ठीक बाद है में देखेंगे क्या बाद कर में रहे देखेंगे। हैं। ठीक है अब देखो अभी बहुत सही पोर्शन आने वाला है, तो अभी इसको ऐसा 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 रैप करेंगे। ठीक है तो ओके इस तरीके से इसको इस, ऐसा वाओ ये ऐसा इसको तो आ ऐसा। गया आपको। हाँ मेरे को सभी आता है समझे ना, हो गया तैयार। अब हमारी हाँ बारी इसको ओवन में डालने की। तो नहीं, पहले बटर लगाना हाँ पता है है, मेरे को, तो इस तरीके से पूरा बटर लगा देंगे, कुछ ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे स्प्रिंकल्स। तो चलिए अभी बारी आ गई इसको अंदर डालने की, मतलब ओवन में। तो चलिए अभी इसको थोड़े देर लगभग 20 मिनट इसको रखते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हो गया है, ये निकाल दे इसको। वाह दिखने में तो काफी सही लग रहा है, एकदम कड़क कड़क सा बन गया। निकाल दे अभी इसको, वाह ये भी इतना कड़क है, ऐसे मर, ओके गर्म है बहुत। तो धीरे धीरे खाओ ना, कौन सी गाड़ी भगी जा रही है आपकी। ये कौन सा खाना हो गया भाई, खाएंगे और गरम गरम, जल जल गया ना गया। मुंह। क्रंची चॉकलेट्स नहीं आते क्या, वो क्रंची हाँ चॉकलेट्स सेम हाँ वैसा टेस्ट आ रहा है, और बहुत ज्यादा काफी क्रंची। क्रंची हुआ। तो चलिए अभी खत्म करता हूँ मैं इसे, और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।